हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों क्या हालचाल हैं? बच्चों आज के लेक्चर में मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट एक बात बताने वाला हूं, वो है कि डीएनए स्ट्रैंड की पोलैरिटी कैसे डिटरमाइन करें। बच्चों कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चों को डीएनए स्ट्रैंड की पोलैरिटी को लेकर के काफी कंफ्यूजन होता है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू यदि इस चीज को एक्सप्लेन करूं कि जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे कौन सा डीएनए स्ट्रैंड होगा जिसके ऊपर लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा, उस डीएनए स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होगी जिसके ऊपर लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा, या फिर यदि मैं पूछूं कि लैगिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है और लीडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कई बार बच्चों को दिक्कत आती है। इवन डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे भी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसके ऊपर आरएनए बन रहा है उसकी पोलैरिटी क्या होगी, कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर यदि आप नहीं दे पाते या उस टाइम पे आप कंफ्यूज होते हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर बहुत कम टाइम में मैं आपको ये सारी चीजें समझा दूंगा जिससे कि आपका बेसिक जो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट होता है डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन का वो यहां पर क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं अज्यूम कर लेता हूं एक डीएनए, मैं यहां पर एक डीएनए स्ट्रैंड बना रहा हूं। सपोज कि ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, इसके ऊपर आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंटरिटी के अकॉर्डिंग यदि एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन यहां पर 5' है, यहां पर 3' है, तो जो दूसरा कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड होगा वो 3' और 5' होगा। ठीक है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अब यदि यहां पर इन स्ट्रैंड्स को एरो लगा करके लिखना हो, या आपने नॉर्मल देखा होगा कि एरो कैसा लगा हुआ होता है, एरो लगा हुआ होता है इस तरीके से। अब मैं आपको पूछूं कि ऊपर वाला जो डीएनए स्ट्रैंड है बच्चों, इस ऊपर वाले डीएनए स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है, तो आप बोलेंगे 5'(3'). नीचे वाले डीएनए स्ट्रैंड की पोलैरिटी पूछूं तो आप बोलोगे 5'(3'), या 3'(5'), या ऐसा बोल दे कि अभी हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। यानी बच्चों यदि आपको ऐसा डीएनए दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग आपको पोलैरिटी पूछी है तो ये यहाँ पे बता पाना पॉसिबल नहीं है। ये एरो सिर्फ क्या बता रहा है, एरो सिर्फ ये बता रहा है कि जब डीएनए की स्ट्रैंड बनी होगी, इलॉन्गेट हुई होगी, तो इस डायरेक्शन में यानी 5'(3') पे न्यू स्ट्रैंड बनती है। तो बच्चों यहां पर कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए कि हमेशा न्यू स्ट्रैंड जो होता है, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, सबसे पहला रूल है क्या कि न्यू स्ट्रैंड जो है उसका फॉर्मेशन जो है वो किस डायरेक्शन में होता है, उसका डायरेक्शन 5'(3') डायरेक्शन में होता है हमेशा। न्यू स्ट्रैंड चाहे डीएनए की हो चाहे आरएनए की हो, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज जो चेन को इलॉन्गेट करवाता है 5'(3') में, और आरएनए पॉलीमरेज भी 5'(3') में डीएनए बनाता है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे मोस्टली और ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे भी। तो बच्चों एक बात पता पड़ी कि न्यू स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5'(3', इस डायरेक्शन में वो बनता है, पोलैरिटी नहीं बोल रहा हूं, इस डायरेक्शन में वो बनता है। अब यहां पर जब पूछा जाएगा आपको कि बताओ ऊपर वाले स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है, तो उसके लिए आपके माइंड में सबसे पहले एक क्वेश्चन आएगा कि पोलैरिटी हम तब बता पाएंगे जब हमें ये पता हो कि ये डीएनए किस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। सपोज जो हेलिकेज एंजाइम है वो डीएनए को इस डायरेक्शन में ओपन कर रहा है, यदि ऐसा है तो आपको पोलैरिटी किस डायरेक्शन में रीड करनी है, जिस डायरेक्शन में ये डीएनए का स्ट्रैंड ओपन हो रहा है उसी डायरेक्शन में इसकी पोलैरिटी रीड करेंगे। मतलब क्या, मतलब ऊपर वाले स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होगी 5'(3') और नीचे वाले स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होगी 3'(5''। आई बात समझ में, यानी डीएनए स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग पोलैरिटी जो है वो बताई जाती है। यानी दो रूल हो गए, एक तो न्यू स्ट्रैंड की डायरेक्शन हमेशा 5'(3') होगी, और हमें डीएनए की पोलैरिटी यदि बतानी है तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में डीएनए स्ट्रैंड ओपन हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमको पोलैरिटी देखनी पड़ती है। अब मान लो मैंने यहां पर एग्जांपल लिया कि ये डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो इस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, मान लेते हैं, और यहां पर मैं इसे बना देता हूं पास पास में। तो बच्चों क्या आपको एक रेप्लिकेशन फॉर्क दिख रहा है यहां पर, बिल्कुल दिख रहा होगा। अब बच्चों ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग आप सोचो
कि न्यू स्ट्रैंड मैंने क्या बताया हमेशा किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, 5' to 3'। अभी डीएनए रेप्लिकेट करेगा, हेलिकेज एंजाइम इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर वाले स्ट्रैंड की पोलरिटी 5 to 3, नीचे वाले की 3 to 5 होगी। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरा, अब बच्चों न्यू स्ट्रैंड की डायरेक्शन 5' to 3' है, यानी कि ये ऊपर वाले का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो एक स्ट्रैंड बनेगा किस डायरेक्शन में, एक जो न्यू डॉटर स्ट्रैंड बनेगी बच्चों वो बनेगी कुछ इस डायरेक्शन में 3', यहां पर होगा 5' और ये होगा 3'। अब बच्चों ये एक स्ट्रैंड बन गई ऐसे। नीचे की तरफ यदि मैं देखूं तो अगेन क्या होगा, 5' to 3', इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसी होगी। यानी एक डीएनए का स्ट्रैंड बन रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा स्ट्रैंड बन रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। अब यदि ये डीएनए का स्ट्रैंड आगे और ओपन होता है तब क्या होगा, तब ये स्ट्रैंड अब ओपन होके मान लो सपोज ऐसे बन गया और ओपन हो गया, तो बच्चों क्या होगा, यहां पर डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो 5' to 3' में न्यू स्ट्रैंड को फॉर्म कर रहा है। तो यहां पर ये तो क्या होगा, ये तो इसको तो आगे स्पेस मिल रहा है, पॉलीमराइजेशन होता रहेगा, लेकिन इसके लिए अब ये इस डायरेक्शन में तो बन चुका है ऑलरेडी, तो क्या होगा, फिर से स्टेपिंग स्टोन चाहिए, यानी आरएनए पॉलीमरेज जो है वो सबसे पहले प्राइमर जो है वो क्या करेगा, प्राइमेज जो है वो प्राइमर बनाएगा और फिर डीएनए पॉलीमरेज जो इस डायरेक्शन में स्ट्रैंड बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि डायरेक्शन जो है वो कैसी होगी, अगेन न्यू स्ट्रैंड की डायरेक्शन तो 5' to 3' ही होगी, तो एक जो है वो तो कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा और दूसरा जो है वो टुकड़ों में बनता जाएगा। इस ट्रेंड को ये क्या है, ये है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, और ये बन रहा है क्या, लैगिंग स्ट्रैंड। ये वाली स्ट्रैंड जो है वो कैसी है, लीडिंग स्ट्रैंड, ये लीडिंग स्ट्रैंड है, ये लैगिंग स्ट्रैंड है, समझ गए बच्चों। तो अब यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ जो लीडिंग स्ट्रैंड बनता है, लीडिंग स्ट्रैंड जो बनता है उसकी टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलरिटी क्या होगी, तो पोलरिटी को कैसे रीड करोगे, जिस डायरेक्शन में ये ओपन हो रहा था, तो 3' to 5' पोलरिटी वाला जो डीएनए स्ट्रैंड होगा उसके ऊपर क्या बनेगा, उसके ऊपर लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा। और ऐसे ही यदि पूछा जाए कि लैगिंग स्ट्रैंड किस डीएनए पे बनता है या उसकी पोलरिटी क्या होती है, तो फिर क्या देखोगे, इस डायरेक्शन में देखोगे 5' to 3' वाला जो टेम्पलेट होगा उसके ऊपर लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से आप पोलरिटी जो है वो बता सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई। अब यदि हम आरएनए के फॉर्मेशन के लिए इस चीज को स्टडी करें तब कैसे हम इसे देख सकते हैं, बच्चों देखते हैं। सपोज अगेन मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक डीएनए स्ट्रैंड ले रहा हूं फिर से 5' 3' कॉम्प्लीमेंट्री। अब इसमें भी पूछा मैंने कि टेम्पलेट का डायरेक्शन, टेम्पलेट की पोलरिटी क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड की पोलरिटी क्या है, तो आप कैसे बता पाओगे। उसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि डीएनए किस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। उसके लिए चाहिए, मान लो सपोज कि ये जो सीक्वेंस है ये प्रोमोटर है, ये जो है वो टर्मिनेटर है और बीच में है स्ट्रक्चरल चीज। सपोज मैंने एनसीईआरटी में जो आप हमेशा प्रोमोटर इधर बनाते हो टर्मिनेटर इधर बनाते हो, मैंने जानबूझ के उल्टा बना लिया है ताकि आप टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है उसे बहुत आसानी से उसकी पोलरिटी बता पाओ या कोडिंग की बता पाओ। तो बच्चों क्या होता है, पहली बात कि आरएनए बनेगा वो प्रोमोटर टू टर्मिनेटर बनेगा, यानी कि डीएनए स्ट्रैंड जो ओपन हो रहा है, जो ट्रांसक्रिप्शन बबल मूव कर रहा है, उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली होगी। अब यहां पर क्या करोगे बच्चों, यहां पर आपको पता है कि आरएनए जो बन रहा होगा उसकी डायरेक्शन क्या है, ये अभी रूल बताया मैंने, क्या है 5' to 3', यानी यहां पर जो न्यू स्ट्रैंड बन रहा है वो 5' to 3' बन रहा है, फिक्स हो गया। अब मुझे बताओ ये किसके ऊपर बन रहा होगा, ऊपर वाली स्ट्रैंड या नीचे वाली, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, यानी ये ऊपर वाली स्ट्रैंड जो है इसके ऊपर बन रहा होगा। क्या पता पड़ गया, ये वाली स्ट्रैंड क्या है, ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, और ये वाली स्ट्रैंड कौन सी है, ये हो गई कोडिंग स्ट्रैंड। आगे बात समझ में। तो अब पूछा जाए कि बताओ जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है यहां पर, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है उसकी पोलरिटी क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलरिटी क्या होगी, जिस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है उसमें देखना पड़ेगा 3 to 5। कोडिंग की पोलरिटी क्या होगी, 5 to 3, ठीक है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होता है, ये डाउनस्ट्रीम है, इसके इधर अपस्ट्रीम है,
आई बात समझ में? तो बच्चों यहाँ पर आपको रटना नहीं पड़ेगा कि टेम्पलेट की पोलैरिटी क्या होती है, लीडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होती है, लैगिंग स्ट्रैंड जो है उसकी पोलैरिटी क्या होती है। तो वो सारी चीजें आप कंसेप्चुअली आराम से ध्यान रख सकते हो, क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको डीएनए की पोलैरिटी कैसे पता करते हैं वो बताया है, ताकि आपको रटना ना पड़े। आपके लिए डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में ये बहुत आसान रहे कि आप बता पाओ कि कौन सा टेम्पलेट स्ट्रैंड है और किस टेम्पलेट स्ट्रैंड पे लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा और किस पे ओकाजा के फ्रेगमेंट या लैगिंग स्ट्रैंड्स बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटे वीडियोज के साथ में हम मिलते रहेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।